नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले की खबर है। नॉर्वे में 23 लोगों की जान गई आफ्टर टेकिंग कोरोना वायरस का वैक्सीन। हुआ ये कि उन्होंने वैक्सीन लिया, घर गए और उनकी मौत हो गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या है कि हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या असर होगा और हमारे जो मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन वो क्या कहते हैं। फाइजर और बायोएनटेक के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिए। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, नॉर्वे में कुल 59,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं और जैसे मैंने आपको बताया 23 लोगों की मौत कोरोना वायरस का वैक्सीन लेने के बाद हुई है। वहां पर यूरोप में दो मेजर कंपनीज है जो ये वैक्सीन लगवा रही है लोगों को, वो है फाइजर और बायोएनटेक। ये देखने के बाद नॉर्वे की सरकार ने सेफ्टी कंसर्न्स जारी किए हैं। इनफैक्ट फाइजर ने ये भी कहा है कि वैक्सीन ऑन एल्डरली पीपल नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड केयरफुली, माने बुजुर्ग लोग जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि बीमारियां हैं, वे ये वैक्सीन बहुत ही सतर्कता से लगाएं। फाइजर कहता है कि द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आर नॉट अलार्मिंग और वो जानते थे कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया है। कोई भी वैक्सीन का, और हम अगर बात करें इस पर्टिकुलर वैक्सीन का, साइड इफेक्ट्स है वॉमिटिंग, फीवर, नौजिया इत्यादि। अब हम जानेंगे कि वैक्सीन एक्चुअली काम कैसे करता है। देखिए, दो टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन देखिए जैसे एक डिजीज का एजेंट है, जैसे कि इस केस में कोरोना वायरस, ठीक है, और अन्य केसेस में टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कोई और वायरस हो सकता है, कोई और बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, जो हमें बॉडी में से निकालना है। और दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक होता है जो बाइंड करता है एंटीजन से। देखिए, एक प्रोटीन होता है जो बाइंड करता है एंटीजन से, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बताता है कि हमें इस एंटीजन को हमारे बॉडी से निकालना है। फिर वैक्सीन्स काम कैसे करते हैं, हमने ये जान लिया एंटीजन और एंटीबॉडी। ये वैक्सीन्स जो है ये कंटेन करते हैं इनएक्टिव पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इस केस में कोरोना वायरस, जो हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है सो दैट हमारा बॉडी उस वायरस से फाइट कर सके। ये जो वीकेंड वायरस होता है ये हमारे बॉडी को कुछ हानि नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए इंजेक्ट करवाया जाता है। अगर इस केस में बात किया जाए तो फाइजर के वैक्सीन का इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वही पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो लोग सीवियरली एलर्जिक है कोविशील्ड के वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स से, वो इस वैक्सीन को ना ले। ऑन द अदर हैंड, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू बी रजिस्टर्ड ऑन द एप्लीकेशन कॉल्ड कोविन, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। उनका मानना है कि इससे वैक्सीनेशन ड्राइव को मॉनिटर करने में आसानी होगी। बट मेरा ओपिनियन है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल कि हम सारे लोगों का वैक्सीनेशन करवाएं। हम 130 करोड़ जनता है और सबका वैक्सीनेशन करवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट फिर हमें एक टर्म याद आता है जो हमें WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही दिया है, जिसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी। आपने सुना है इसके बारे में। हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है? हर्ड इम्यूनिटी यानी कि पॉपुलेशन इम्यूनिटी, ये एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है जो हमें वायरस से बचाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन उससे इम्यून हो चुका है, इम्यून इधर थ्रू वैक्सीनेशन या फिर उनमें वायरस आने के बाद वो इम्यूनिटी बढ़ गई है उनकी। पर WHO एक बात में एकदम क्लियर है कि वो हर्ड इम्यूनिटी चाहता है, बट थ्रू वैक्सीनेशन एंड नॉट थ्रू पीपल गेटिंग द वायरस एंड देन गेटिंग द इम्यूनिटी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचे ताकि उनमें इम्यूनिटी बिल्ड हो और ये वायरस अपने आप ही कमजोर पड़ जाए, ये WHO और सभी साइंटिस्ट का मानना है। क्योंकि अगर हम उस चीज का वेट करें कि सारी पॉपुलेशन को ये वायरस हो जाए और फिर उनमें इम्यूनिटी आ जाए, तो उससे अननेसेसरी डेथ्स और केसेस बढ़ेंगे।
ये तो हमने जान लिया, लेकिन लोगों में फिर भी अभी डर है कि वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए। इसको कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 10 ग्लोबल थ्रेट्स में आता है। WHO के डेफिनेशन से जाए तो वैक्सीन अवेलेबल होने के बावजूद लोगों में ये डर होना और लोग रिफ्यूज करें वैक्सीन लगवाने से, इसे कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। इसके कई कारण हैं, जैसे कि रिलीजियस प्रोपेगेंडा कि कुछ माइक्रोब्स खाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। सेकंड, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में एक बात उड़ जाती है कि कोई वैक्सीन खाने से इंसान और बीमार पड़ जाता है, जो एक हद तक सही भी है अगर हम नॉर्वे की बात करें, पर ये पॉपुलेशन में बहुत ही कम रेट पे देखा जाता है। और तीसरा है इनकन्वीनियंस इन एक्सेसिंग द वैक्सीन। मतलब वैक्सीन अवेलेबल तो है देश में, लेकिन मुझे मेरे लोकल एरिया में नहीं मिल रहा, तो उससे हेजिटेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर क्या वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? देखिए, हम और आप तो जिंदा हैं बिना वैक्सीन के, पर क्या वैक्सीन लगाना सही में ज़रूरी है? अगर WHO की बात माने तो हाँ, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से हर साल 2 से 3 मिलियन डेथ्स हम रोक सकते हैं। बच्चों में सीरियस इलनेस रोका जा सकता है अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम वैक्सीन्स दें। इनफैक्ट पूरा का पूरा डिजीज देश से बाहर हो सकता है अगर हम हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव को और स्ट्रांग बनाएं। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस का वैक्सीन। मोर ओवर, वैक्सीन से हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बचाया जा सकता है, बच्चों में सीवियर इलनेसेस की मात्रा कम की जा सकती है और ओवरऑल पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं ये वैक्सीन हेजिटेंसी इंडिया से या फिर पूरे दुनिया से बाहर निकालने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वैक्सीन लगवाना ही है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने 11 वैक्सीन्स बच्चों में कंपलसरी करवाए हैं, और अगर वो वैक्सीन्स ना लगवाएं तो उन बच्चों को नर्सरी में एडमिशन नहीं दिया जाता। ऑस्ट्रेलिया में भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों का टीकाकरण ना करवाए तो उन्हें यूनिवर्सल फैमिली अलाउंस नहीं दिया जाता। दूसरा स्टेप जो हमें लेना है वैक्सीन हेजिटेंसी को मिटाने के लिए, वो है बिल्डिंग ट्रस्ट। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को और ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। वो अपने इंग्रेडिएंट्स लोगों को बताएं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि उन इंग्रेडिएंट्स से उन्हें कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। इसके लिए वैक्सीन कंपनीज FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं कि इनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन लोग इसे ले सकते हैं, कौन लोग इसे नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अगर वो अपने वेबसाइट पे डाले तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों में ये विश्वास होगा कि हाँ, अगर हम ये वैक्सीन लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। थर्ड है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, इनफैक्ट गूगल पे भी, लोगों को वही सारी जानकारी दिखनी चाहिए जो क्रेडिबल और ऑनेस्ट सोर्स से हो, ना कि कोई भी सोर्स से जो अफवाह फैलाती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गूगल पे टाइप करूं कि वैक्सीन रिलेटेड डेथ, तो मुझे एक ऑथेंटिक सोर्स से वो जानकारी मिलनी चाहिए, ना कि एक थर्ड पर्सन जो अपने ओपिनियंस और व्यूज दे रहा है। फोर्थली, हम सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स को फोरफ्रंट पे ला सकते हैं। इनफैक्ट वो खुद ही आने चाहिए और बताने चाहिए कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, वैक्सीन लगवाएं और अपने और अपने फैमिली को बचाएं। हम हमारे पॉलिटिशियंस से भी यही गुजारिश करते हैं कि वो पहले वैक्सीन लगवाएं, ताकि जनता में ये एक मैसेज पहुंचे दैट वैक्सीन इज सेफ एंड दैट दे कैन गेट वैक्सीनेटेड। नॉर्वे में जो हुआ उससे हमें सतर्क रहने की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन एक मैसेज ये भी जाता है कि जो यंग एडल्ट्स है उन्हें ये वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। आपको क्या लगता है, वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है प्रजा कारंडे, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।